ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमने लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड करनी है ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। इसको हमने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने वन को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं तो उसमें हम डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो जो आपके पास 1/x या 1/x² डिनोमिनेटर में जिसके x आ रहा होता है, वो वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाती हैं व्हेन वी अप्लाई लिमिट ऑन देम, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर्स हैं, आप जस्ट वही वाली टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में आपके पास हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो आपने जस्ट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जब एब्सोल्यूट वैल्यूज वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी एक्स की वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एक्स, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो दैट विल बी पॉजिटिव एक्स, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे वन रह जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज वन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू वन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं एज x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी x अगर विदाउट एनी बाउंड डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम हमने इसको x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे x डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन होती है, उसमें नेगेटिव नंबर्स के लिए आपके पास फंक्शन क्या होता है, माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास -1 आ जाएगा, -1 इज कॉन्स्टेंट, तो उसकी कोई किसी भी पॉइंट पे आप लिमिट अप्लाई करें तो दैट विल बी इटसेल्फ -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू -1, यानी इस फंक्शन में हमारे पास दो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स हैं, एक y इज इक्वल टू 1 और एक y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हम एट इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आए, ठीक है। तो इफ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, देन वी कैन राइट एज लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एट इन्फिनिटी जब हम लिमिट ले रहे हैं तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो 2x/5 एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की वैल्यूज हम जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो उसकी पावर बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है, ये आपके पॉलिनोमियल के एंड बिहेवियर को की वजह से हमें पता लगता है कि उसका एंड बिहेवियर क्या है। आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंड बिहेवियर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास -7x/6 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स काफी डिटेल में बताए हुए हैं कि जब आपके पास
इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उसके उसका एंड बिहेवियर्स क्या होते हैं, ठीक है, और जब आपके ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उनके एंड बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्राफ्स आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें उनके एंड बिहेवियर ही डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अब इसमें देखें एंड बिहेवियर आपकी हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड कर रहा होता है, हाईएस्ट डिग्री इज 7x5, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसका बिहेवियर आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट फंक्शन, इसमें जब एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके पास है -4x8, ठीक है, तो जब वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जो आपके ऑड डिग्री फंक्शंस होते हैं उनका जो एंड्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है, और जो आपके इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो दोनों एंड्स सेम डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी जो राइट साइड वाला एंड है वो अपवर्ड होगा यानी इंक्रीज करेगा, और जो लेफ्ट साइड वाला एंड है वो डिक्रीज करेगा यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। और अगर आपके जो ऑड पावर टर्म है वो अगर नेगेटिव है तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, राइट एंड जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और जो लेफ्ट एंड है वो अपवर्ड हो जाएगा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और आपके जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके पास पॉजिटिव है तो दोनों अपवर्ड मूव करेंगे यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। अगर आपके हाईएस्ट डिग्री टर्म इवन पॉलिनोमियल की नेगेटिव है तो दोनों एंड्स डाउनवर्ड यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रैशनल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आपने जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, दैट इज एक्स, इससे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, और फिर इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, तो जो आपके पास जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है वो वाले उन पे लिमिट्स जीरो हो जाएंगी, तो ये टर्म्स वैनिश कर जाएंगी, तो आपके पास ये वाली टर्म्स रह जाएंगी 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब भी आपके पास रैशनल फंक्शंस आए तो आप उनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स लिखें और उसको सिंप्लीफाई करके उससे लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें आपको अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म 4x² है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म 2x³ है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2/x, और जब आप x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर 2/x इज 0, ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपके पास कुछ लिमिट्स हैं, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास एक टर्म है, ठीक है, 1+1/x होल पावर x, व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इट्स अप्रोचेस दिस फंक्शन अप्रोचेस टू e, ठीक है। इस तरह अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को x अप्रोच करें तो ये फंक्शन e को अप्रोच करता है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ x एट पॉजिटिव, लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस
माइनस इन्फिनिटी ई पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है।